देखिए, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व केवल सिख समाज नहीं तो सारा देश कल संपन्न करने जा रहा है। एक समय था कि जब आक्रांताओं ने देश को दुर्बल बनाया था, कई प्रकार से भ्रमित किया था। ऐसे कालखंड में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है। उन्होंने अपने समाज के अंदर सांस्कृतिक धार्मिक चेतना जगाने का प्रयास किया है। गुरु नानक देव जी भारत के चारों दिशाओं में उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे तो भारत के बाहर, फिर वो बगदाद हो, ईरान हो, कंदार हो, मक्का मदीना हो, यहां तक वो गए थे। उनकी यात्रा में वो अनेक साधु संतों के मिलना होता था, उनसे संवाद करते थे। उसमें जैन थे, उसमें बौद्ध थे, उसमें सूफी संत थे, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदायों को मानने वाले संतों से उनका वार्तालाप हुआ करता था। और अपने समाज में वो एक चेतना जागृत हो, कई प्रकार के अंधविश्वासों को लेकर चलता हुआ समाज सारे अपने जीवन के मूल्यों को तर्कों के द्वारा समझे, इस प्रकार का संदेश वो अपने सारे अनुयायियों को देते रहे। उनका एक ही था कि कृत्य करो, नाम जप करो और समाज दुर्बलों की रक्षा करो। यही उनका संदेश उन्होंने सारे समाज को समय समय पर दिया है। गुरु नानक देव जी के जीवन का अगर हम देखेंगे तो एक बलिदानियों की श्रेष्ठ श्रृंखला उन्होंने खड़ी की, जो समाज की रक्षा के लिए और अपने जीवन की बाजी लगाने वाले ऐसे अनेक महापुरुष उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए समाज का मार्गदर्शन करते रहे, समाज का संरक्षण करते रहे। गुरु नानक देव जी के विचार और उनका मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आवश्यकता है कि हम सब उनके विचारों का स्मरण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और फिर इस भारत को, जो आज कई प्रकार की समस्याएं होगी, उन समस्याओं से उभर कर फिर एक बार समृद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का भारत सारे विश्व के सामने प्रस्तुत हो। और इस हेतु हम गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद की कामना करते हैं। ऐसी विभूतियाँ किसी न किसी रूप में हमेशा उनका अस्तित्व बना रहता है, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, ये 550वां प्रकाश पर्व थोड़ा सा अलग है क्योंकि पहली बार सरकार ने एक कदम आगे जाकर के विदेश मंत्रालय की ओर से पहल की। समझता हूँ कि अलग कुछ नहीं है, समय समय पर ऐसे महापुरुषों के संदर्भ में और समाज भी मनाते आया है और सरकार ने भी इसकी उचित प्रकार से और दखल लेकर उनके कार्यक्रमों को संपन्न किया है। सर, करतारपुर कॉरिडोर के लिए जो पहल की गई सरकार की ओर से, उसके बारे में क्या? उनका स्वागत करते हैं।